हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको वॉल पर सैंडिंग वर्क करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, अभी तक हमने इसके ऊपर दो कोट कंप्लीट करके रखा है, इसके बाद हमारा सैंडिंग का वर्क होने वाला है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको इसके ऊपर सैंडिंग करके दिखाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से पेपर से आप इसके ऊपर सैंडिंग कर सकते हैं और कौन से सही तरीके से आप अपने घर पर खुद से अच्छे से सैंडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली सारी पेंटिंग के रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, चलो इस पर सैंडिंग करते हैं। दोस्तों, सैंडिंग करने से पहले आप सबसे देख सकते हो, मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ वो कुमी कंपनी का है। आप देख सकते हो कुमी सुखा प्रीमियम करके ये पेपर है, ये 150 नंबर का पेपर मैंने लिया है और इसके ऊपर मैं ये सैंड करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले पेपर को भी एक फोल्ड करने की पद्धति होती है, वो आप सीख लो ताकि आप भी जब इसके ऊपर सैंड करो तो हाथ में ग्रिप भी अच्छी बनी रहे और हमें काफ़ी अच्छे से जो इस हमारी वॉल है उसे सैंड कर सके। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से हमें पेपर को बीच में से दो पार्ट में डिवाइड करना है। और बीच में से ऐसे मैंने आपको जैसे बताया, आप हाथ से भी ऐसे कर सकते हो कम्प्लीटली अगर हो रहा है तो, वरना आप कैंची वगैरह या फिर पुट्टी ब्लेड का यूज़ करके ऐसे कर सकते हो। ये दोस्तों आप देख सकते हो दो पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, तो एक पार्ट हम साइड में रखेंगे और दूसरे पार्ट को टोटल इसे तीन तरह से फोल्ड करेंगे, एक दो और आप तीन। अभी मैं ये आपको फोल्ड करके दिखा देता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हो टोटल तीन पार्ट में मैंने इसे फोल्ड कर दिया है और ऐसे करके इसके ऊपर तीन उंगली से ऐसे पकड़ेंगे तो इस पे हमारे वॉल पर ग्रिप अच्छी रहेगी, इसके लिए हमने ये किया है। अब मैं आपको दोस्तों ये सैंड करके दिखाता हूँ। सैंड किस लिए करना है वो भी मैं आपको पहले एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि डबल कोट हमने कंप्लीट किया है तो किस वजह से हमें सैंड करना पड़ता है वो मैं पहले आपको दिखाता हूँ और फिर मैं इसके ऊपर आपको सैंड करके दिखाता हूँ। दोस्तों, हमें वॉल पर मेन सैंड करने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि जब भी हम दो कोट कर लेते हैं उसके बाद आप देख सकते हो ये लाइन से या फिर आप ये शायद देख सकते हो कुछ इस तरह के हमारे जो पुट्टी ब्लेड होते हैं या फिर आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे ये थोड़ा गिरा है, ये सब एक एजेस होती है वो इस तरह से ख़राब होती है, तो ये सब हमें हटाने के लिए सैंड करने की ज़रूरत होती है। देख सकते हो बड़ा है काफ़ी, तो उसको आप ऐसे पुट्टी ब्लेड है तो उसकी मदद से पहले ऐसे निकाल लेंगे अपने वॉल से, ताकि जब हम हमारा सैंड पेपर से सैंड करें तो हमें वो हाथ में लगे नहीं। कई बार होता है ऐसा ध्यान नहीं होता तो हाथ में लग जाता है, तो इसकी वजह से हमें करना है। अब मैं दोस्तों आपको सैंड पेपर यूज़ करके दिखाता हूँ किस तरह से यूज़ करना है। दोस्तों, हमने थोड़ी देर पहले बताया था वही वाला पेपर है, कुछ इस तरह से हमने तीन तरह से फोल्ड किया और इस तरह से हमने पकड़ना है और वॉल पर हम सैंड करें तो पूरा लेफ्ट से लेकर राइट तक हमें पहले सैंड कर देना है पूरा इस तरह से, जैसे अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। दोस्तों, आप ये देख सकते हो काफ़ी डस्ट उड़ रहा है, तो मुँह पे मास्क वगैरह कुछ पहन के रखें ताकि हमारी सेफ्टी अच्छी रहे। मैं अभी आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मेरे पास मास्क वगैरह नहीं है, पर आप जब भी काम करो तो मास्क वगैरह पहन के करो। और इस तरह से सेंड करते समय जब भी हमें बीच में लगे कि कहीं पे अनइवन या फिर थोड़ा मोटा है तो वहाँ पे हमारा जो पेपर उसे थोड़ा दबा के सेंड करो ताकि वो हमारा वॉल पे फिनिश आ जाए। फिर हमें ऐसे हाथ घुमा के भी देखना है कि फिनिशिंग आई है या नहीं आई है। अभी नहीं आई है क्योंकि अभी हमने सेंड करना स्टार्ट किया है, तो अभी हम पहले सेंड करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो ये यहाँ पर दीवार की एज सही है जाइए, तो वहाँ पे हम आधा पेपर तो सैंड नहीं करेंगे, ऐसा ही करेंगे सीधा खींच लेते हैं। अब दोस्तों, आप देख सकते हो हमने पूरा इस तरह से तो पेपर खींच दिया है, उसके बाद हम ऐसे घुमाएंगे तो हमें ये वाला लेवल तो सीधा हो चुका है, पर अभी ये लेवल भी हमें फिनिश करना है, तो उसके लिए हम ऊपर से नीचे की तरफ हम सैंड करेंगे।
दोस्तों जब भी हम सैंड पेपर लेने जाए तो वो पेंट शॉप से बोलिए कि अच्छी कंपनी का पेपर दे, जैसे कि अभी हम यूज़ करें कुमी कंपनी का सूखा पेपर। ये दोस्तों काफ़ी अच्छा होता है और लंबा चलता है, और इसके अंदर जैसे हमने सैंड किया फिर भी आप देख सकते हो, ऐसे करोगे ना तो ये डस्ट वगैरह इसके अंदर रहती नहीं है, बाकी नॉर्मल पेपर में इसके अंदर चिपक जाती है। तो अच्छी कंपनी का पेपर हमें यूज़ करना है हमेशा, जब भी काम करो तब। थोड़ा पैसा ज़्यादा जाएगा पर ओवरऑल वही होता है, चाइनीज कंपनी का लाओ तो वो पैसे कम लगते हैं पर काम थोड़ा काम करते हैं तो वो हमारे लेवल आ जाता है, इसलिए हमेशा अच्छी क्वालिटी का सामान यूज़ करो। अब लास्ट में देख सेंड करने के बाद आप ऐसे चेक कर सकते हो कहीं पे ज़्यादा है तो उसे वहाँ पे ऐसे सेंड करके अलग कर सकते हो। ऐसे हाथ लगा के फिर हमने देखना है कहीं पे ज़्यादा लेवल या फिर अनइवन है नहीं ना, अगर है तो वहाँ पे हमने सेंड करके निकालना है, और फिर लगे कि नहीं उससे भी नहीं होता तो एक कोट और लगा के उसे फिनिशिंग करो और फिर सेंडिंग करो। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस होता है सेंडिंग करने का, ये सेंडिंग हो जाए उसके बाद हम आगे की प्रोसेस आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा सेंडिंग कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हमें ऐसे कोई कपड़ा या फिर झाड़ू की मदद से हमारे वॉल पर अच्छे से साफ कर लेना है, ताकि हमारी जो भी डस्ट अभी हमने सेंड करते समय लगाया वो पूरा निकल जाए और हमारी वॉल एकदम फिनिशिंग हो जाए, आगे हम जो इसके ऊपर प्राइमर करने वाला है उसके लिए रेडी हो जाए। दोस्तों इसके ऊपर अभी हमने पूरा सैंडिंग वर्क कंप्लीट करके वहाँ पे कपड़े से साफ भी कर दिया, इसके बाद हमारा काम आता है प्राइमर का। तो दोस्तों प्राइमर कैसे करना है और कौन से कंपनी के यूज़ होते हैं या फिर कौन सी अच्छी कंपनी का होता है वो हम आने वाली वीडियो में दिखाएंगे, तो आप वो भी वीडियो देखना, आपको पूरी माहिती मिलेगी। वैसे हम ये पूरा सीरीज वाइज बना रहे हैं, अभी तक हमने इसके ऊपर वॉल पुट्टी कैसे करते हैं वो दिखा दिया है, उसके बाद हमने सैंड कैसे करना है वो दिखाया है, उसके बाद प्राइमर कैसे करना है वो दिखाएंगे, और फिर लास्ट में पेंट कैसे करना है वो सब दिखाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में तब तक ले, बाय बाय।